साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे एक टॉपिक पे जिसका हमारे भारतीय इतिहास में ना जाने कितना ज़्यादा और अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्नों पे देखा गया है। इसके बिना तो हमें इतिहास पढ़ना व्यर्थ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कितना आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन से है, क्योंकि इसी कानून के तहत पंजाब के दो स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार की क्रूर नीतियों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक सभा का आयोजन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया गया था। यह बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसमें से निकलने के लिए मात्र एक ही दरवाजा था। पंजाब के तत्कालीन सेनापति जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के इस शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवा दी। जनरल डायर के इस क्रूरतापूर्वक कार्य से लगभग 1000 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना थी जिसने राष्ट्र की सोई आत्मा को जागृत कर दिया और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। इस नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी हंटर कमेटी गठित की गई। इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन परिस्थितियों में अमृतसर में मार्शल लॉ लगाना एवं अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने इस अपने कर्तव्य को गलत समझा और आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने जमींदारों के साथ जो उचित समझा वही किया। जनरल डायर को सजा के रूप में उसे नौकरी से बर्खास्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां ब्रिटेन की संसद में उसकी प्रशंसा में भाषण दिए गए तथा उसे सम्मानपूर्वक सोर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया गया। दीनबंधु सीएफ एंड्रूस ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी, जबकि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपा पोती की संज्ञा दी। इस हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा भी एक जांच समिति गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की एवं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी आदि इसके सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की काफी निंदा की तथा इसे ब्रिटिश सरकार की सबसे क्रूर कार्रवाई की संज्ञा दी। इस प्रकार इस टॉपिक पर चर्चा समाप्त हुआ। जय हिंद।